बैनर का बिल हाँ माइक माइक चल चल आया ना तो दे रहा है दुरुस्त है मैडम दे मैडम का बोला लगा दे आइए सर हम सबको और हमारी सब आज थाने आंबोली महिला रिक्शा स्टैंड का और मैडम का बहुत बहुत सहयोग है महिला रिक्शा वाले से और मेरे मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि जितना अच्छा उद्घाटन हुआ है उतना पुलिस प्रशासन को सहकार्य करवाओ। रिक्शा वाले हमेशा आप पुलिस वालों का सहयोग करते हैं ट्रैफिक में भी कंट्रोल करने में और यहाँ जैसे आप देखते हो थाना स्टेशन में पवार साहब बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं और बाकी रिक्शा वाले भी अपनी गाड़ियाँ साइड में लगा के अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो कंट्रोल करते हैं बस आप लोग का भी इसी तरह से हमको सहयोग चाहिए। आज से ना बड़ा अभियान चालू है तो इसलिए सभी महिला रिक्शा वाले को मेरी बताना चाहता हूँ कि जो भी रूल रेगुलेशन है ट्रैफिक का उसका सही इस्तेमाल करो और पुलिस प्रशासन को सहयोग करो। ठीक है धन्यवाद। आप तो क्या बोलना चाहेंगे रिक्शा वालों को कुछ तरह की कुछ तकलीफें वगैरह आती है या रिक्शा ट्रैफिक में जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे रिक्शा वालों का भी जैसे गैस का पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो रिक्शे का मीटर 21 रुपये ही है तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी 8-10 साल के बाद 3 रुपये बढ़ा है पहले 18 था अभी 21 हो गए। अभी लॉकडाउन की वजह से तो रिक्शा वाले का बहुत बुरा हाल है और अभी तो लॉकडाउन खुल रहा है तो अभी थोड़ा बहुत धंधा हो रहा है तो हम भी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पेपर भी सब ओके करेंगे हम लोग और उनको साथ देंगे। नहीं जैसे कि अभी रिक्शे का गैस का भाव अभी 25% लगभग बढ़ गया है ये 49 पॉइंट समथिंग कुछ था अभी लगभग 59 रुपीज़ के आसपास बढ़ गया रिक्शा गैस का भाव तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे रिक्शा वाले को किस तरह की कठिनाइयों परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रिक्शा वाला तो हाथ के ऊपर पेट के ऊपर हाथ रहता है अभी क्या काम करके तभी खाएंगे और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी महंगाई हो गई तो अभी सरकार ने वो तो कम करना होगा पेट्रोल गैस का भाव और हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। रिक्शे वालों का घर सिर्फ रिक्शा से ही चलता है रिक्शा वाले को किसी ने हेल्प भी नहीं किया लॉकडाउन सारी गाड़ियाँ हो गई है तो उसने हमारे लॉकडाउन में किसी ने हेल्प भी नहीं की भाड़ा लेने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा खड़े रहना पड़ता है। 1500 आपको मिला? नहीं मेरे को नहीं मिला। क्यों नहीं योजना की तरह फाइट करेंगे एक मिनट साड़ी बघा दे साड़ी माँ साइड नहीं चलिए थोड़ा सा लेडीज पूरा जाता है आनंद है त्यांनी पण ट्रॅफिकचे सगळे रूल फॉलो करून जे काय आहे ते त्यांची रिक्षा संघटना चालू आहे चांगली रिक्षा संघटना एवढे दिवस नव्हती झाली आहे ते खूप चांगली आनंदाची गोष्ट आहे महिलांसाठी। ठीक आहे थँक्यू मॅडम।